नमस्कार। अभी हम ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ज्योग्राफी में मैं कहना चाहूँगा कि जो 40 मार्क का पेपर है उसमें अगर हम पूरा पेपर गो थ्रू करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि जो 14 मार्क्स 14 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर्स आएंगे और बचे हुए 26 मार्क्स सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इसे हम समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव से हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बहुत ज़्यादा। इसके अंदर मैप मार्किंग हो गया और ड्रॉ द ग्राफ आ गया, ग्राफ रीडिंग आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स आ गए। तो आपको ऑब्जेक्टिव्स में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। रही बात वो जो 14 मार्क्स क्वेश्चंस की है, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 9 आप पूरा पढ़ के जाइए। तो उस 14 मार्क्स में से आपको सिर्फ अभी समझ लीजिए 8 मार्क और पढ़ना पड़ेगा। और मैं अभी आपको इम्पोर्टेंस मार्क करा के दे देता हूँ। और एक हिंट कि हर एक चैप्टर में से जो डू यू नो है उसको ज़रूर पढ़ के जाएगा एग्ज़ाम में, कि उसी में से ऑब्जेक्टिव्स या ट्रू और फॉल्स, या अगर संभावना है तो गिव रीज़न, पॉसिबिलिटी है तो गिव रीज़न भी बन सकती है। तो डू यू नो को इग्नोर मत करके जाइए, आपको पता ही होना चाहिए डू यू नो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 2 का बी, क्वेश्चन नंबर 2 का सी। ये चैप्टर आप पूरा करके जाइए मेरी, मान लीजिए तो पेज नंबर 13 पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं।